कुछ ही घंटे बाद चांद पर हम पहुंच तो जाएंगे, पर उससे हमें मिलेगा क्या? एक तरफ हम सबके लिए चांद बचपन की कहानियां और स्कूल की किताबों का हिस्सा रहा है, बॉलीवुड के गानों और धर्म संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, पर वहां पर अंतरिक्ष यान जाकर करते क्या है, इसकी जानकारी है आपको? हमें भी लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होगी कि क्या होता है वहां पर जाके, करेगा क्या चांद, चांद पर जाने वाला यान होता कैसा है। अब हम हर उस सवाल के जवाब देंगे जो आपके दिमाग में पिछले 48 घंटे या ये कह लीजिए कि जब से चंद्रयान छोड़ा गया है तब से चल रहे होंगे। चांद पर क्या कुछ है, वहां जीवन की कितनी और कैसी संभावनाएं हैं, चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है जिसे हासिल करने की होड़ दुनिया में है। इन रहस्यों का पहली बार भेद खुला 6 जुलाई 1969 को, दिन बुधवार का था। 6 जुलाई 1969 को अमेरिका के केप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी। उस वक्त भारत में शाम के 7:02 हो रहे थे। इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और कॉलिस मौजूद थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने इतिहास रचा। दोनों चांद की सतह पर 2 घंटे 31 मिनट तक रहे। इस दौरान उन्होंने 21 किलो 600 ग्राम कंकड़ और पत्थर जमा किए, जिनसे चांद से जुड़े कई रहस्य पहली बार दुनिया के सामने आए। चांद के रहस्यों को अब तक 11 एस्ट्रोनॉट्स खंगाल चुके हैं, लेकिन दुनिया की निगाह भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी है और 140 करोड़ भारतीयों की भी। भारत में मिशन चांद की चर्चा क्यों हो रही है, इससे कैसे रहस्य खुलेंगे, ऐसा क्या मिलेगा जो देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा? जवाब है चांद पर मौजूद खनिज, जो खजाने से कम नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर क्या रहस्य खुलेंगे। चांद पर ऐसे खनिज और केमिकल हैं जो धरती पर नहीं है। हीलियम-3 उन्हीं में से एक केमिकल है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। ये केमिकल धरती पर बहुत कम है। भारी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट मिल सकते हैं। पानी के भंडार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकती है। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला ईंधन मिल सकता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भी चुनौतियां कई हैं। अगर खनिज मिल भी गए तो उन्हें धरती पर कैसे लाया जाएगा? वहां पे उतरने के बाद जो हमारे इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि आपका विक्रम रोवर है और विक्रम लैंडर है, उसके बाद जो प्रज्ञान रोवर है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, चंद्रमा की जमीन की, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसमें किस तरह के मिनरल मौजूद हैं, पानी कितना और किस तरह से कितनी गहराई पे पानी है, कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका चंद्रमा का एटमोसफियर कैसा है। हम कहते हैं चंद्रमा पे वैक्यूम है, लेकिन वहाँ पे सोलर रेडिएशन के और सौर हवाओं के चलते बहुत ही थिन, एक बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बहुत थिन एटमॉस्फेयर होता है, जिसको हम आयनाइज एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो बहुत ही हल्का है, मतलब उसमें हम सांस तो ले ही नहीं सकते हैं। चंद्रयान 3 साउथ पोल के करीब लैंड होगा। ये पहली बार है जब कोई देश चांद की इस सतह के रहस्य खोलेगा। इससे पहले साल 2020 में चीन का चांग-ई-5 चांद से मिट्टी और पत्थर भी लेकर आया था। तब चीन को हीलियम-3 मिला था, जिससे रूस और अमेरिका के भी कान खड़े हो गए थे। चांद पर मिला हीलियम-3 क्या है और कितना पावरफुल है, ये भी समझिए। हीलियम-3 एक नॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। इंसानों के लिए ये भविष्य में क्लीन एनर्जी का जरिया बन सकता है। ये यूरेनियम से 100 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 3 चम्मच हीलियम-3 को लिया जाए और इसका फ्यूजन कराया जाए तो इसकी ताकत 5,000 टन कोयले के बराबर होगी। चांद पर मौजूद हीलियम-3 की तुलना धरती से भी की जाए तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हीलियम-3 चांद की मिट्टी रेगोलिथ में 10,00,000 टन है। बिजली के लिए अभी हम हाइड्रो पावर प्लांट, कोयला प्लांट और न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर हैं। अगर चंद्रयान 3 ने इसका भंडार खोजा तो भारत वर्ल्ड लीडर बन सकता है। अमेरिका और चीन की स्पेस एजेंसियां इसी खनिज के लिए बार बार चांद पर जा रही हैं, क्योंकि चांद पर मौजूद हीलियम-3 सोने से भी महंगा है। इसकी ताकत किसी भी मुल्क का कायाकल्प कर सकती है। एनर्जी का भंडार है। अच्छा, ये तो बात हुई कि हम चंद्रमा पर ढूंढ क्या रहे हैं। वैसे आप जानते हो कि चंद्रयान 3 है क्या?
इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई चंद्रयान है क्या। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा चंद्रयान बनता कैसे है, चंद्रयान 3 की क्या खूबियां हैं जो इसे बेजोड़ बनाती हैं। अब वो सुनिए, भारत ने जो तीसरे मून मिशन का नाम रखा है उसका रखा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 एक आंतरिक्ष यान है जो मानव रहित है, उसको चलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, इसे इसरो ने तैयार किया है। चंद्रयान 2 की तरह ही ये भी एक लैंडर और रोवर से लैस है, लैंडर और रोवर दो हिस्से होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है, फिर भी ये ज्यादा पावरफुल है। रोवर के साथ चंद्रयान 3 का वजन 1752 किलोग्राम है। देखिए कितनी भारी चीज ऊपर भेजी है। चंद्रयान 3 मिशन की कीमत कितनी होगी, लागत कितनी आई होगी, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई है इस पे। इससे पहले भारत ने 2 चंद्रयान चांद पर भेजे थे जिनका बजट 2019 में हॉलीवुड की फिल्म आई थी ना अवतार, उससे भी कम था। इसरो की यही तकनीक दुनिया के ताकतवर मुल्कों को चिढ़ाती है कि ये इतना सस्ता कैसे बना लेते हैं। इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि पूरा सिस्टम जो अब चंद्रयान 3 का भेजा गया उसको चेक किया जा रहा है, ये सभी इसके पार्ट्स जो हैं ठीक से काम कर रहे हैं। इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर भी कर दी हैं जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं, वहां से तस्वीरें खींच के नीचे भेज दी हैं इसरो को। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजिशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC की मदद से ये तस्वीरें खींची है, कैमरा लगा हुआ है स्पेशल, उससे खींच रहा है ये तस्वीरें, और ये भी पता लग जाता है कि ठीक से सब कुछ काम हो रहा है, जानकारी आती रहती है इसरो के पास। इससे पहले इसरो ने चंद्रमा की फार साइट यानी वो इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखा था उसकी तस्वीरें भी शेयर की थी। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, जिसको कि हम शॉर्ट में कह देते हैं LHDAC, इस कैमरा से 19 अगस्त 2023 को खींची थी। यह कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया में मदद करता है ढूंढने में कि जहां पर कोई इलाका जहां बड़े पत्थर ना हो, जहां गड्ढे ना हो, वहां पर कैसे लैंड करना है, वो मदद भी करता है। इस वक्त चंद्रयान चांद में कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी चांद से चंद्रयान 25 किलोमीटर की दूरी पर है कम से कम, ये माना जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, अंदाजा लगाया जाए कि 100 किलोमीटर दूर, यानी हम दिल्ली से अगर चंडीगढ़ का रास्ता पकड़ लें तो ऐसा मान लीजिए कि जितनी दूर पानीपत है उतनी दूर होगा ये। हम राइट कोर्स में हैं, डायरेक्शन एकदम सही है, ये सब बता रहे हैं साइंटिस्ट। चंद्रयान कामयाब हो जाए, घर घर में दुआओं का दौर जारी है, मस्जिद में खास नमाज भी हुई है, मंदिर में हवन शुरू किए गए हैं। 23 अगस्त शाम 5 बजे का सबको इंतजार है। साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इसी दौरान हमारा लैंडर चांद पर उतरेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है, क्योंकि लैंडिंग की प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस काफी नाजुक है और जटिल भी, क्योंकि पिछली बार हमारे मिशन में यहीं पर गड़बड़ी हुई थी। तोड़ दिया। The communications from the lander to ground station was lost. हाई लैंडिंग हुई, विक्रम लैंडर फेल हो गया, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस बार भी माहौल यही है, चंद्रयान चांद के करीब है, लैंडिंग के लिए तैयार है, लेकिन गलतियों से सबक लिया है। 4 साल पहले जो हुआ था वो इस बार ना हो, इसलिए तैयारी नई है और बदलाव भी। Yes, last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected, and wherever that margins are less, we enhanced that margins. This time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2, so this time the system is going with more ruggedness. Expert कहते हैं सबसे मुश्किल 15 मिनट ही रहेंगे, वो आखिरी पड़ाव जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर पहुंचने की तरफ बढ़ेगा। इन आखिरी क्षणों को 15 मिनट ऑफ टेरर कहा जा रहा है। चुनौतियां क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी बहुत तेज तो लैंडर के हादसे की आशंका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लैंडर पलट जाएगा। चांद की सतह की धूल से सोलर पैनल पेलोड के लिए मुश्किल, चांद की जमीन पर बोल्डर हैं
तो लैंडर के लिए उतरना मुश्किल। चांद की सतह पर गड्ढों से लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है। थ्रस्टर के ठीक से काम नहीं करने पर लैंडर का बैलेंस बिगड़ेगा। Last time we could not achieve Vyas. We till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very 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 anxious moment. Everybody is working. Looking it very anxiously for this event to happen, and I am sure that this time it will be a grand success. चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर लैंडिंग पृथ्वी से अलग होगी। धरती पर प्लेन लैंड होता है तो वो धीरे धीरे नीचे उतरता है आगे की तरफ, मगर चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसे पैराशूट के जरिए नीचे उतारा जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब वो 100 किलोमीटर ऊंचाई से 30 किलोमीटर तक नीचे आ जाएगा। तब तक लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह पर हॉरिजॉन्टल स्थिति में होते हैं। स्पीड कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे। गति को नियंत्रित करते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये वो पल था जब पिछली बार गड़बड़ हुई थी। वेलोसिटी तय सीमा से कम हो गई। डिविएशन के कारण चंद्रयान 2 के सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो गई। फाइनल ब्रेकिंग पेज परफॉर्म नहीं हुआ, लैंडर क्रैश हो गया। मगर इस बार इनका ध्यान रखा गया है। किसी सेंसर या सिस्टम के फेल होने की स्थिति में वैकल्पिक सेंसर और सिस्टम का इस्तेमाल होगा। विक्रम लैंडर को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। पहले के मुकाबले शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल हुआ है। स्पीड तय करने के लिए एक्स्ट्रा सेंसर लगाए गए हैं। पिछली बार सॉफ्टवेयर में जो दिक्कत आई थी उसे दुरुस्त किया है। लैंडर में 5 की जगह 4 मोटर लगी हैं ताकि पेलोड कम रहे। अगर लैंडिंग कहीं और करनी पड़ी तो लंबे समय तक नेविगेशन के लिए लैंडर में ज्यादा ईंधन रखा है। ये आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो चांद की कक्षा में घूमता रहेगा, ये लेके गया था। अब ये हमारा लैंडर है, विक्रम लैंडर। ये अब आगे देखेंगे कि जैसे ही कल गो होगा, इसरो ऑफिशियली इसको कमांड भेजेगा कि नाउ हमारा जो लैंडर है वो उतर सकता है। ये इस तरीके से चांद की सतह पे जाके कल वो उतरने वाला है। आप देखिए इसमें किसने शॉक एब्जॉर्बर की जैसी फीलिंग भी दिखाई गई है। इसमें सेंसर्स भी बदले गए हैं, बेहतर चंद्रयान 2 से जो अनुभव मिला। तो आप देख रहे हैं कि कैसे रोवर बाहर आ रहा है। तो कुछ घंटों बाद जब सब कुछ सही रहेगा तो रोवर को बाहर भेजा जाएगा और फिर ये दोनों 14 दिन वहां रहने वाले हैं। तो ये जो मोमेंट है अभी ऑर्बिट से सक्सेसफुली उतरना, उसी में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि इस बार अगर सिस्टम कोलैप्स हुआ, इंजन फेल हो गया, सेंसर ने काम नहीं किया, तब भी चंद्रयान 3 लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी, बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करे। गुड न्यूज की उम्मीद है इस बार। वैसे भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर आंतरिक स्टेशन बनाने की है और कोशिश कर रहे हैं कि इसे जल्दी से जल्दी करें। भारत के लिए भी चंद्रमा की अहमियत बढ़ गई है। सवाल तो यह भी है कि साउथ पोल रीजन में ही भारत चंद्रयान क्यों उतार रहा है। साउथ पोल रीजन की मिट्टी में जमा चीजें लाखों वर्षों से वैसी ही हैं, जिससे मिट्टी में जमी बर्फ के अणुओं की पड़ताल के रहस्यों का पता चल सकता है। अब समझ आया कि क्यों हम भाव उतार रहे हैं। अच्छा, दूसरा, चांद और पृथ्वी के जन्म का रहस्य भी खुल सकता है। चंद्रमा के निर्माण और उस वक्त के हालात का भी पता चल सकता है इससे। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में कितने रहस्य जमा है ये साउथ पोल में ही है, इसका पता चल जाएगा। चांद पर इसी जगह पानी मिलने की संभावना है। अब वजह समझ आ रही होगी आपको कि क्यों इस जगह हम साउथ पोल रीजन में ही क्यों उतार रहे हैं। कई तरह के खनिजों का भंडार भी यहां मिल सकता है साउथ पोल रीजन में। और क्या हो सकता है, वैज्ञानिक कैसे करिश्मे की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, हमने उनसे ही पूछा। जब हमारे चंद्रयान 1 जो सिर्फ ऑर्बिटर था उसको चंद्रमा के ऊपर पानी के कुछ एविडेंस मिले और लगा कि चंद्रमा पे पानी है, तो उसके तुरंत ही बाद अमेरिका ने अपना LRO भेजा था, लूनर रिकॉग्नाइज ऑर्बिटर। उसमें एक खास इंस्ट्रूमेंट जो था दरअसल उसको चांद पे पटक मारा और उससे जो मतलब इजेक्ट्रा निकला उसमें पानी के वेपर होने के एविडेंस मिले, कन्फर्म हुए
और पता चला चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के आसपास वहां पे बर्फ जमी हुई, इसके एविडेंस मिले। तो उसके का पानी मिला, उसके ऑक्सीजन मिली और हाइड्रोजन भी वहां मौजूद है। और हमारा ये तीसरा चंद्रयान 3 जो अगला अभी जो लैंडर जाने वाला है, अब हमारा चंद्रयान पे सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।